भवानी मंडी नगर के बालाजी चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया। कार्यक्रम से पूर्व सभी कार्यकर्ताओं ने बालाजी मंदिर पर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंग दल जिला संयोजक राहुल राठौर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कहकर बजरंग दल के शेरों को छेड़ने का कार्य किया है, जबकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना सपोर्ट करता और ना विरोध। फिर भी कांग्रेस सरकार ने बजरंग दल को बैन करने की मंशा जताई है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और देश के आगामी सभी चुनाव में इसका खामियाजा इस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। लक्ष्मण सिंह लूना खेड़ा ने भी अपने संबोधन में कहा कि यह पार्टी सदैव हिंदू विरोधी है। इसी पार्टी ने राम को काल्पनिक बताकर राम सेतु तोड़ना चाहा था। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन बजरंगी को छेड़ना इनको भारी पड़ सकता है। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि बजरंग दल कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, यह एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। राजस्थान के मंत्री ने भी बजरंग दल को बैन करने की बात कही है। हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि राजस्थान में जितने कार्यकर्ता आपके नहीं हैं, उससे कहीं अधिक बजरंगी हमारे पास हैं। हम बजरंग दल को बैन करना तो दूर की बात है, हमारे संगठन के कार्यकर्ता हर शहर, हर गांव, हर ढाणी में हैं। हम विरोध पर उतर आएँ तो आपका क्या होगा? यह वीरों की भूमि राजस्थान है, यहाँ हमेशा से आतताई बैन होते हैं। संपूर्ण कार्यक्रम में प्रांतीय सेवा प्रमुख नरपत सिंह नरू का बिहिप, जिला अध्यक्ष बालू सिंह चौहान, नंद किशोर खेर, सूरज मलनागर, घनश्याम सिंह, वीरेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, समरथ सिंह, यादवेंद्र चौहान, रामगोपाल, लक्की जायसवाल, राहुल गोयर, शुभम आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भवानी मंडी से बीपीएन न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट।